बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली हमादियान ऑनलाइन होम्यो क्लिनिक पे अपने तमाम देखने वालों को शामदीद कहता हूँ। अगर आपका हमारे इस चैनल पे ये पहला विज़िट है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ख़ास तौर पे होम्यो स्टूडेंट्स, क्योंकि इन फ्यूचर क्लिनिक प्रैक्टिस पे हमादियान ऑनलाइन होम्यो क्लिनिक उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। आज हम होम्योपैथिक के एक नुसोड़ पर बात करेंगे। ये उस सिलसिले की कड़ी है जो पिछले दिनों आपने कई सारी ऐसी वीडियो हमादियान ऑनलाइन होम्यो क्लिनिक पे देखी। और तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोफोबिनियम पे, तो चलिए शुरू करते हैं। पागल कुत्ते के थूक से तैयार करदा ये एक नोसोड है। ये दवा कुत्ते, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, गीदड़ वगैरह के काटने से, चाहे वो पागल हों या ना हों, खिला दी जाए तो बहुत मुफीद होती है। अगर जानवर के काटने पर हाइड्रोफोबिनियम 200 ताकत की चंद खुराकें खिला दी जाएं तो जहर कोई असर नहीं करता। कुत्ते के काटने से कुत्ता चाहे पागल हो या ना हो, हाइड्रोफोबिनियम खिला देना नहायत ही महफूज तरीका है। होम्योपैथिक असूल के मुताबिक पागल कुत्ते के काट लेने पर हाइड्रोफोबिनियम देने से वही मकसद हल होता है जो कि वैक्सीन के इंजेक्शन लगवाने से होता है। पानी चलने की आवाज़ सुनने या देखने से तशन्नज, पेशाब की हाजत, स्याल अशिया निकलते वक्त तशन्नज या निकलते वक्त दिक्कत हो, रोशनी से ज़िक्र हिस्सी हो, तो ये सारी अलामत इसी दवा की हैं। ये अलामत किसी भी बीमारी में हों तो ये दवा दी जा सकती है। तो ये था आज हाइड्रोफोबिनियम पे एक छोटा सा लेक्चर, यानी एक मालूमती छोटी सी वीडियो, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट सेशन में देना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।